संदेश खाली मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कई दिनों से पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। यहां भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच जुबानी जंग भी जोरों पर थी। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए ममता सरकार पर हमला बोल रही थी, वहीं आज इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और ममता बनर्जी का इस घटना को लेकर इस्तीफा मांग लिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ये घटना झंझोरने वाली है। बता दें कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है उसकी नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहां की सरकार आरोपी को संरक्षण दे रही थी। जी यहां पर संदेश खाली की घटना को लेकर प्रदर्शन, शेख जहां की गिरफ्तारी, संदेश खाली का जो संदेश है वो झंझोरने वाला है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जहाँ महिला मुख्यमंत्री है, उस महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, उस महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे महिलाओं के साथ अत्याचार होता, बलात्कार होता है, उस मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल कार्यालय में होता है और वो उस बात को दबाने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को छुपाने का प्रयास करते हैं। वो जो अभियुक्त है शाहजहां, वो गिरफ्तार जरूर हुआ है, न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हुआ है, लेकिन वहाँ की सरकार क्या कर रही थी? उसने उसको आश्रय दिया, संरक्षण दिया, उसको बचाने का काम किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनके अलावा चारा क्या है? जिस मात्र शक्ति का और नारी शक्ति का जिस तरह से वहाँ महिलाओं की अब कहानी सुनी, रोंगटे खड़े कर देते हैं। मतलब इस तरह का प्रदेश बनाना चाहती है और आप खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।